राजस्थान में तनातनी खत्म करने का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है, जिसके तहत गहलोत मंत्रिमंडल में विस्तार की तैयारी है। आज गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई है। इससे पहले सीएम आवास पर एक बैठक भी शुरू हो चुकी है। कल तीन मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जिसे गहलोत ने स्वीकार कर लिया है। तो आपको हम बता दें कि अब इस पूरे मामले में खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनके बीच भी मामला लगभग सुलझ गया है। कई तरह की बातें सामने हैं। अजय माकन पहले ही जयपुर पहुंच चुके हैं। बिहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के आज श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने का शरद कुमार हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से जुड़े हैं। शरद, क्या वाकई वो फॉर्मूला निकल चुका है जिसका इंतजार कांग्रेस कर रही थी राजस्थान में? ये नहीं, कोशिश जारी है श्वेता। देखिए, सियासत की डोर इतनी आसानी से सुलझती नहीं है, इसलिए रात 12 बजे तक अजय माकन मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहे। आज सुबह 8 बजे आ गए हैं मुख्यमंत्री निवास में। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ, यह दिखाता है कि कितना उलझा हुआ ये पेच है। तीन मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए गए, वो भी अजय माकन ने घोषणा की जबकि अशोक गहलोत ने घोषणा नहीं की। तो समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कितना प्रेशर है कि दोनों गुट एक साथ बैठे, मगर कौन मंत्री बनेगा? अब अशोक गहलोत अपने खेमे के ज्यादातर लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बार बार बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों के साथ मैं होटल में रहा हूं, जिन्होंने सरकार बचाई है, उन निर्दलियों को इनाम देने का वक्त है, बसपा वालों को इनाम देने का वक्त है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो 6 सालों तक हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष किए हैं, लाठियां खाई हैं, उनको इनाम दिया जाए। तो ये पेंच फंसा हुआ है, इसीलिए सचिन पायलट भी जयपुर पहुंच चुके हैं, अजय माकन से वो भी मिलेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये हमारे सूत्रों के अनुसार आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, जिनमें बाकी सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर मंत्रिमंडल में पुनर्गठन छोड़ दिया जाएगा। मगर इतना आसान नहीं है, यहाँ से एक नई लड़ाई की शुरुआत भी हो सकती है अगर ठीक ढंग से मामला सुलझाया नहीं गया तो। इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अजय माकन को देकर, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश से नजर बनाए हुए हैं, पल पल की खबर ले रही है वहीं से बैठकर उत्तर प्रदेश से ही, कि किस तरह से इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाया जाए। बात वही है कि किन मंत्रियों को, बहुत सारे ऐसे नाम है सचिन पायलट के खेमे के जिन पर अशोक गहलोत सहमत नहीं हो रहे हैं और सचिन पायलट चाह रहे हैं उन्हें शामिल कराना। यहाँ पर सचिन पायलट की भूमिका भी क्या होगी? अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि यह पहले क्लियर हो जाए कि ये राजस्थान में रहेंगे या राजस्थान छोड़कर जाएंगे। अगर यहीं पर आकर हमारी छाती पर बैठकर सियासत करेंगे तो फिर मैं कैसे काम करूंगा? तो इन तमाम बातें हैं जिसका हल निकालना है श्वेता जी। बिल्कुल बिल्कुल शरद, अब सियासी बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो चुका है। चलिए, पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है जरा वो सुन लेते हैं, फिर आपसे और जानकारी लेंगे। मुझे लगता है जी, आपके इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का जो सुकून होगा वो इतना शानदार होगा कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है पुनर्गठन, वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि हाथ में गाने रुकावट, अगर आप पहले गवा लेते तो हमारा मंत्रिमंडल भी पहले ही पुनर्गठित हो जाता। जो खेल हो रहा है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के अंदरूनी नोकझोंक जो हम सबको एक सीरियल की तरह दिखाई दे रही है, ये ठीक है, अपने आप में इनका एक खेल चल रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं, सार्वजनिक रूप से भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है। लेकिन आप अपना खेल खेल रही है, लेकिन राजस्थान का बंटाधार जो हो रहा है वो खुलेआम हो रहा है। लूट, डकैती, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार, उस पर हम नंबर 1 हो रखे हैं।